छोटा बड़ा नहीं होता। हेलो अंकुश, कैसे हो? अच्छा हूँ अंकल। तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ो और अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय करो। मैंगो जूस पियो, आइसक्रीम खाओ। नेकी और पुछ पुछ, चलो अंकुश फटाक से चलते हैं। विनोद जी, सब गड़बड़ हो गई। अब मैंने खाना बनाने के लिए जिस शेफ को बुलाया था, अब वो आया ही नहीं। क्या? थोड़ी देर पहले तक कहता रहा आता हूँ, और अब अचानक से उसने फोन बंद कर लिया है। तो किसी होटल से खाना मंगवा लीजिए सर। अरे 3000 मेहमान आने वाले हैं, कौन सा होटल इतनी जल्दी इतने सारे लोगों के लिए खाना बना के देगा? क्या तुम किसी शेफ को जानते हो? सामान सब रखा है, बस वो अपनी पार्टी लाकर खाना बनवा दे। मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है। भाभी जी, क्या आप किसी को जानती हैं? मेरे विदेशी मेहमान आने वाले हैं, कंपनी के सारे बड़े ऑफिसर्स आने वाले हैं। अगर पार्टी में कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? कोई आपको रोते हुए देखेगा तो क्या कहेगा? देखो आपके मेहमान भी आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं भाभी जी, अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर थोड़े बहुत लोगों का खाना होता तो मैं ही बना देती, लेकिन अब बस भाभी जी, आपने डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। आप कर दीजिए, मेरी नौकरी बचा लीजिए। वो उधर पंडाल में सारा सामान रखा है, और जो चाहिए बता देना, मैं अब अपने मेहमानों को संभालता हूँ। गीता, ये क्या किया? बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। अरे मेरा जूस कहाँ गया? तुम तो मजे कर रहे हो बजरंगी। अंकुश, रंगाइन पार्टी दिखाई नहीं दे रही, तो तुम क्या सोच रहे हो? लगता है उन्हें बुलाया नहीं गया। शहर में ऐसी कोई पार्टी ही नहीं होती चुन्नू, जहाँ हमें ना बुलाया जाता हो। जानते नहीं क्या, मेरे पापा इस शहर के सबसे अमीर आदमी है। हाँ हाँ, सबको पता है। अब पार्टी के मजे लो और हमें भी लेने दो। ठीक है, लेकिन अंकुश को तो जाने दो, जाकर अपने मम्मी पापा की मदद करेगा। बेचारे कितनी मेहनत से खाना बना रहे हैं। अंकुश, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मम्मी पापा हलवाई का भी काम करते हैं। तुम नहीं समझोगे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अच्छा दोस्तों, मैं बस अभी आया। ये छोटे लोग कभी नहीं सुधरेंगे, हमेशा छोटे ही रहेंगे। इतनी देर में तो प्याज ही नहीं कट पाए, अब बाकी खाना कब बनेगा? हाँ, समय तो काफी कम है, अब मुझे भी चिंता हो रही है। अरे पापा, ये सब क्या है? मत पूछो बेटा, वो मेरे बॉस। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। हम इसे कर दिखाएंगे। लेकिन कैसे बेटा? आप जाकर अपने स्टाफ के लोगों को बोलिए, हो सकता है कि कोई आपकी मदद के लिए तैयार हो जाए। और मम्मी, आप भी अपनी सहेलियों से कह कर देखिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, अगर किसी ने हमारी मदद कर दी तो हो सकता है कि हमारा काम भी हो जाएगा। चलो। हाँ तो अंकुश, अब हम लोग शुरू हो जाते हैं। हाँ बजरंगी, आखिर ये पापा की इज्जत का सवाल है। आने दो अंकुश। ओके, ये लो।
बजरंगी तुम कमाल के हो। हाँ, ये कैसे हुआ? मेरे सारे दोस्त आ गए थे माँ और सब सब्जी काट पीट कर चले गए। बच्चों की सेना ने जब इतना बड़ा काम कर दिया तो हम लोग भी क्यों पीछे रहे? हाँ गीता, बच्चों ने हिम्मत बढ़ा दी, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ चलो अब शुरू हो जाते हैं। वाह, आप सबकी हेल्प से ही ये हो पाया है। वाह, क्या खुशबू है। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना बढ़िया होगा। अब हम क्या सोच रहे हैं बॉस, इतना बढ़िया खाना है तो चलो जल्दी से खा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये खाना खत्म हो जाए। चुप करो बेवकूफा। और ये सोचो कि अभी तो इस खाने की तारीफ एक आदमी ने की है, अब सब लोग करेंगे। हाँ तो इसमें सोचने वाली क्या बात है बॉस, खाना बढ़िया बना है, लोग तो तारीफ करेंगे। वही तो मैं नहीं चाहता। तो तुम क्या चाहते हो भांजी? मैं चाहता हूँ कि हम लोग सारा खाना खराब कर दें, जिससे अंकुश के मम्मी पापा का नाम खराब हो। बहुत अच्छा प्लान है भांजी, अभी लो सोते सोते। सब लोग होश में आओ और मेरे साथ चलो। अरे ये माइनस वन और माइनस टू वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो करेले की सब्जी है। तो रसगुल्ले कहाँ गए? तो हवा में उड़ रहे हैं, चलो पकड़ लेते हैं। माइनस वन माइनस टू, सब्जी और खीर मिक्स कर दो, तब हम दाल खराब करते हैं। कोई मजाक है क्या? रुको अभी सबक सिखाता हूँ। अरे भांजी, ये खीर हमारे सर पे कैसे आ गई? मामा जी, खीर हमारे सर पे नहीं आई है, हम लोग खीर के सर पे आ गए हैं। अरे ये कौन है जो हमको उल्टी सीधी कसरत करवा रहा है? कम से कम कसरत करते करते कुछ खा पी लेने दो। अरे खाना पीना ही था तो बाहर ही खा पी लेते, यहाँ क्यों आए हो? सच सच बताओ, वरना सबसे घंटा भर तक सर के बल डांस कराऊंगा। हम यहाँ खाने के सामान को एक दूसरे को मिक्सअप करके उसका स्वाद बिगाड़ने आए थे। अच्छा तो मैं मिक्सअप करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे सर, आज की पार्टी तो बहुत ही शानदार है और खाना तो उससे भी लाजवाब है। थैंक यू। नाइस फूड सर। यस, इतने स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद सर। बड़ा मजेदार खाना है, आज बहुत दिनों के बाद खाया है। हाँ हाँ, घर में तुम भूखे ही रहते हो, जब देखो कंप्लेंट करते रहते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब मैं, आई हैव योर अटेंशन प्लीज। दोस्तों, आज के खाने की सबने तारीफ की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाना बनाने वाला शेफ तो आज आया ही नहीं। जी हाँ, और
संकट की इस घड़ी में कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड इस पार्टी में हमारी इज्जत में चार चांद लगाए हमारी कंपनी के एम्प्लॉय विनोद जी की पत्नी गीता जी ने, और विनोद जी और उनके साथियों ने उनके सहायक का काम किया। देन नाउ गिव हिम अ बिग हैंड, हमारी आज की खास मेहमान गीता जी के लिए। फिर अंकल की फैमिली हीरो बन गई। तो इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए।